नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से तीन बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज दिन भर में क्या कुछ गतिविधियां रहीं, इन तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले लालू प्रसाद से, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को झटका दिया है, अब 11 मार्च तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी खबर है कि एक बार फिर से बिहार विधानसभा में विधायकों के सम्मान का मुद्दा उठा और कहा गया कि इस सुशासन राज में, यानी कि नीतीश कुमार के इस राज में विधायकों का सम्मान नहीं बचा है। तमाम विपक्षी विधायकों ने स्पीकर से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि आप ही सम्मान बचा सकते हैं। और तीसरी खबर है कि भागलपुर ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। खबर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव से करेंगे। लालू प्रसाद यादव का के केस का झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होना था, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है और अब उन्हें 11 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई भी। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि याचिका में कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि को आप दूर करें, तभी आगे सुनवाई हो सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद के वकील देवर्षि मंडल ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि हम इन त्रुटियों को सोमवार तक दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च तक की मुकर्रर कर दी है। यानी कि जो अगली तारीख दी है वो 11 मार्च है, तब तक राजद सुप्रीमो को इंतजार करना पड़ेगा, राजद कार्यकर्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा और जो लालू परिवार है उन्हें इंतजार। दरअसल ये लोग, इन लोगों की कोशिश थी कि आज सुनवाई हो जाए और होली से पहले लालू प्रसाद को जेल से बाहर हम निकाल लेंगे, इसको लेकर के लगातार कोशिश की जा रही थी। आनन फानन में झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर किया गया, लेकिन उस अपील में त्रुटि रह गई। इस आधार पर कोर्ट ने अगली तारीख दी है और कहा है कि अगली तारीख से पहले आप इन त्रुटि को सुधार करें, तभी हम आगे की सुनवाई करेंगे। हम आपको बताएं कि 21 फरवरी को 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में दोषी पाए गए थे और 21 तारीख को सजा का ऐलान किया गया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को 60 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा तय की गई थी। जिस दिन वे दोषी करार दिए गए थे, यानी कि 15 तारीख को ही वे न्यायिक हिरासत में उन्हें ले लिया गया था और तब उन्हें रांची के जेल ले जाया गया, लेकिन लालू प्रसाद के वकीलों ने कोर्ट में यह आवेदन दिया कि हमारे मुवक्किल की तबीयत खराब रहती है, वे कई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें रिम्स रेफर किया जाए, रिम्स में सेटल किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने उस आवेदन को स्वीकार कर लिया था और उसी दिन, यानी कि 15 तारीख की शाम में ही लालू प्रसाद यादव रिम्स में चले गए थे और तब से वे पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। आज अनुमान था लालू प्रसाद खेमे की तरफ का कि कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि लालू प्रसाद के वकीलों का कहना है कि जिन मामलों में इन्हें सजा दी गई है, अब तक 5 ऐसे मामले हैं चारा घोटाले के जिसमें सजा मुकर्रर की गई है, इन तमाम सजाओं में वे आधी सजा जेल में बिता चुके हैं। ऐसी स्थिति में जमानत, हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी, इसी को लेकर के वे। साथ ही 17 तरह की बीमारियों का हवाला भी दिया गया था, 75 वर्ष की उम्र का हवाला दिया गया था। तो तीन पॉइंट्स पर कोर्ट में इन लोगों ने आवेदन दाखिल किया था, लेकिन तकनीकी कुछ कमी रह गई, इस वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपनी कमी को दूर करें। दूसरी जो बड़ी खबर की हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में एक बार फिर से विधायकों के सम्मान का मामला उठा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की जब से सरकार आई है बिहार में, तब से विधायकों के सम्मान, यानी कि विधायिका के सम्मान पर बार बार चोट किया जाता है। न सिर्फ विपक्षी विधायक बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम अधिकांश विधायक यह कहते हैं कि हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी मनमानी करते हैं, विधायकों की पूछ नहीं है, सांसदों की पूछ नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार के स्तर से भी कई बार मेमो जारी किया गया है, कई बार जो बजाप्ता सरकार की तरफ से, कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सभी डीएम और एसपी को आदेश दिए गए, सभी विभागीय प्रधान सचिव को लेकर के डीजीपी, तमाम जो
जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को मेमो जारी करके कहा जाता है कि विधायिका विधायकों के सम्मान का हमेशा ख्याल रखें, जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत काम होना चाहिए, विधायकों का सम्मान हर हाल में मिले, चाहे वो सार्वजनिक कार्यक्रम हो या फिर किसी उद्घाटन और शिलान्यास हो, हर जगह विधायकों का सम्मान हो, विधान पार्षदों का सम्मान हो, सांसदों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन तमाम दिशा निर्देश के बाद भी, तमाम गाइडलाइंस के बाद भी बिहार में विधायकों को जो योजनाओं का शिलान्यास होता है या फिर उद्घाटन होता है उसमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। आज यह मामला एक बार फिर से तब उठा जब स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में राजद के विधायकों ने आरोप लगाया कि हमें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग यानी कि एपीएचसी का भवन बन करके तैयार हो जाता है, उद्घाटन भी हो जाता है, लेकिन वो कागजों में होता है, विधायकों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। सिर्फ जो राजद के विधायक हैं ललित यादव भाई वीरेंद्र समेत विपक्ष के कई विधायक खड़े हो गए और विधानसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि आप पूरे सदन के कस्टोडियन हैं, जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही हावी है, खास करके विपक्षी विधायकों की तो और पूछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में अस्पताल का भवन बन जाता है, स्कूल बन जाता है, लेकिन विधायकों को जानकारी तक नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार संज्ञान ले और इस मामले में एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी करे। जब कई मिनटों तक विपक्षी विधायक हंगामा करते रहे, सदन में खड़े होकर के अपनी बात करते रहे, इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने इस मामले में संज्ञान लिया और वहां पर मौजूद यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए थे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से कहा कि आप इस मामले को देखिए। उन्होंने कहा कि आप सदन को आश्वस्त करिए, जो इन लोगों की शिकायत है उस शिकायत को दूर करिए। इसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि निश्चित तौर पर आपकी चिंता से हम वाकिफ हैं और कैबिनेट सचिवालय की तरफ से कई बार पत्राचार किया गया है, विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है कि विधायकों के सम्मान में कहीं चोट नहीं हो, सम्मान में कहीं कमी नहीं हो, खास करके उद्घाटन और शिलान्यास के समय हर हाल में जो स्थानीय विधायक होते हैं उनको आप बुलाएं, उनको उनसे सम्मान उद्घाटन और शिलान्यास कराएं। फिर भी अगर इस तरीके की शिकायत है तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से सरकार की तरफ से एक बार फिर से सभी विभागों के जो प्रधान होते हैं, जिलों के डीएम और एसपी होते हैं, जो वरीय अधिकारी होते हैं, उनको एक बार फिर से मेमो यानी कि दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, सरकार ने आपकी बात को सुन ली है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर यह बड़ा इशू है, क्योंकि विधायिका का सम्मान अधिकारियों को करना है, अगर सम्मान पर चोट होता है तो निश्चित तौर पर हम भी इसकी समीक्षा करेंगे और आप लोग जो बैठक होगी उस बैठक में आप इन तमाम मुद्दों को उठाएं, मेरे स्तर से भी इस मामले की समीक्षा होगी। तो आज विधायिका के सम्मान को लेकर के विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, हंगामा तो नहीं कहेंगे लेकिन जबरदस्त रूप से इसका प्रतिकार हुआ और सरकार को कहना पड़ा कि निश्चित तौर पर हम इस मामले को देखेंगे। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि आज भागलपुर में ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हो गई, इसके बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह बात पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की, प्रधानमंत्री से बात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हरकत में आए और तत्काल बिहार जो मुख्य सचिव हैं और डीजीपी को उन्होंने बुलाया और पूरे घटना की जानकारी ली। हम बताएं आपको कि भागलपुर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है, उन्होंने इस मामले पर शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। मोदी ने नीतीश कुमार से मामले की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी हुई है, प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। बता दें कि गुरुवार की देर रात भागलपुर में ब्लास्ट हुआ, तातारपुर थाना क्षेत्र के कजौली चक स्थित नवीन आतिशबाज के घर में हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं दर्जन भर लोग जख्मी हैं। घटनास्थल के कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, दो मंजिले मकान में हुए इस धमाके में 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं
कई अन्य अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। तो यह घटना आज बिहार के लिए बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और तत्काल DGP और मुख्य सचिव को बुलाया, साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की बात करी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के बाद हरकत में आए और तत्काल उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन लगा दिया। तो ये तीन बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर से तीन बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।